कोई भी सामाजिक राजनीतिक या आर्थिक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है तो उसको लेकर के हमारी जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है वो कैसे विकसित होती है, कौन कौन से तत्व या कारक है जो हमारी आज की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। The time in which we are deciding, how we observe or visualize different socio-political and economic issues, which are the factors responsible or which are the ideologies responsible to configure or to stimulate the making of our decision, how we reach to give a decision on any of the issues raised before us, which are the ideologies which impact us intellectually, either consciously or subconsciously or unconsciously. आज कोई भी प्रश्न हमारे सामने आता है तो उस पर विचार करते समय वो कौन से विचार हैं जो हमको चेतन अवचेतन या अचेतन रूप से प्रभावित करते हैं, इस पर हम लोग संक्षेप में जाएंगे। और उसके बाद उन विषयों पर विचार करने की जो शुद्ध और भारतीय दृष्टि है वो क्या है उसकी हम लोग चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऑब्जर्व और एन्यूमरेट द आइडियोलॉजीज विच आर रिस्पॉन्सिबल for our contemporary mental configuration, and then we will proceed towards the proper Indian way of thinking. As we are well aware that ups and downs are natural processes in the history of any civilization, it depends on the internal vitality of a civilization that up to which extent it finds itself capable to cope with such ups and downs. इसी भी सभ्यता के इतिहास में उत्थान और पतन के दौर आते रहते हैं और ये उस सभ्यता की आंतरिक जीवनी शक्ति पर निर्भर करता है कि वो इन अप्स और डाउन्स के बीच में अपने स्वरूप को बचाने में कितना समर्थ हो पाती है। We are well aware about different civilizations in the history of civilizations, the Greco-Roman civilization, the Mesopotamian civilization, the Chinese civilization, and Indian civilization as well. But we find that some civilizations which at a juncture of time were at very high altitude, but now they have been completely abolished or completely eliminated from the scene of civilizations. We can keep the Greco-Roman civilization in this category. सभ्यताओं के इतिहास में ऐसी बहुत सी सभ्यताएं रही जो इसी समय सभ्यता के बड़े उच्चतम मान बिंदुओं पर थी, लेकिन अब उनका कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता। अब हम यूनान कहकर के या ग्रीस कहकर के उस यूनानी सभ्यता की कल्पना नहीं कर सकते जिस यूनानी सभ्यता में सॉक्रेटिस या प्लेटो या अरिस्टोटल जैसे लोग पैदा हुए थे। उसी तरीके से इटली को देख करके हम उस ग्रेट रोमन एम्पायर की कल्पना नहीं कर सकते या उस रोमन सिविलाइजेशन की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें सिसरो और पोथियस जैसे बड़े विचारक पैदा हुए।
आज की जो चीन की सभ्यता है, इफ वी ऑब्जर्व कंटेम्पररी चाइनीज सिविलाइजेशन, वी कैन नॉट विजुअलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कन्फ्यूशियस एंड लाओत्से इन मेकिंग एंड शेपिंग ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। चीन की स्थिति है उसको देख करके हम कन्फ्यूशियस या लाओत्से के उस चीन की कल्पना नहीं कर सकते। These civilizations have completely been degenerated. लेकिन जो भारतीय सभ्यता है अभी भी उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव के बावजूद तमाम विदेशी लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए, न केवल सैनिक रूप से हमारे ऊपर आक्रमण हुए बल्कि बौद्धिक रूप से भी हमारे ऊपर आक्रमण हुए और वो आक्रमण अभी तक जारी है। बावजूद इसके भारत के बारे में न केवल भारतीयों का ये मानना है बल्कि तमाम विदेशी विचारक भी इस बात को मानते हैं, द ओनली लिविंग सिविलाइजेशन विच इज परसिस्टिंग इन द वर्ल्ड इज द इंडियन सिविलाइजेशन। बहुत सारे उतार चढ़ाव के बावजूद भी भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसमें अभी लोग हैं जो अपने उस संस्कृति को यथासाध्य यथा सामर्थ्य ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी भी हम लोग केवल कोई कहानी नहीं बने, कोई स्टोरी या कोई हिस्ट्री नहीं बने हैं बल्कि हम अपनी ट्रेडिशन को, अपनी कल्चर को यथासंभव जी रहे हैं। उसकी डिग्री में फर्क हो सकता है, आज के समय में भी हमारी और कुछ दूसरे लोगों के डिग्री में फर्क हो सकता है, डिग्री में भी डिफरेंशिएटेड, बट वी कैन से प्राउडली दैट वी आर द पोजेसर ऑफ ए लिविंग सिविलाइजेशन। जो बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली है, जिसको हमने पहले के सत्र में भी कहा कि भारत में जो सभ्यता को जिस चुनौती का सामना करना पड़ा उसमें दो चुनौतियां मुख्य हैं आज के हमारे डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए। एक वो चुनौती जो हमें इस्लाम की तरफ से प्राप्त हुई, वो इस्लामिक इन्वेजन हुआ और लगभग 1000 साल तक हम उस इस्लामिक रूल के अंतर्गत रहे, और दूसरी चुनौती जो हमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद या ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके प्रभाव में हम लोग लगभग 250 वर्षों तक रहे, 250 वर्षों तक रहे। दीज टू क्राइसिस, द क्राइसिस पोस्ट बाय द इस्लामिक रूल एंड द क्राइसिस पोस्ट बाय द ब्रिटिश रूल, are significantly different as far as their impact is concerned over our civilization. During the whole tenure of Islamic invasion or Islamic rule over India, that is a period around 1000 years, we have seen many changes on the political and upper surface of the civilization. But our internal convictions regarding our civilizational and cultural and religious ethos, our underlying principles, our presuppositions were remained unshaken. Islam ने हमारे मंदिर मंदिर तोड़े, हमारे पुस्तकालयों को जलाया, उन्होंने एक अलग प्रकार की राजस्व व्यवस्था, एक अलग प्रकार की कानूनी व्यवस्था, एक अलग प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था कायम की। They tried to develop a different type of administrative setup. They tried to develop a different type of economic system, revenue system, etc. लेकिन इसके बावजूद जो हमारा internal conviction रहा अपनी सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर, वो unshaken रहा, उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने हमारी जो बुनियादी मान्यताएं थी धर्म की, परंपरा की, उसको कभी चैलेंज नहीं। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने इसका प्रयास किया कि वो कन्वर्ट हो, कन्वर्ट किया, कन्वर्ट लोग हुए भी, इस्लाम का प्रचार प्रसार करने की कोशिश भी की, डिस्क्रिमिनेशन भी किया उन्होंने रिलीजन के बेसिस पे, लेकिन कभी भी उन्होंने या उनके तमाम प्रयासों से हमारा जो
आंतरिक जीवन है, जो हमारे इंटरनल लाइफ स्टाइल है, उसमें कोई बहुत रिमार्केबल फर्क नहीं पड़ा। दर्जी का काम करने वाले लोग हिंदू से मुसलमान हो गए, लेकिन दर्जी का काम वो आज भी करते हैं। हम लोगों के यहां शादी विवाह में जो बैंड बाजा बजाते हैं वो अधिकांशतः मुसलमान है, और पारंपरिक रूप से वो हिंदू थे, बैंड बजाना बजाना उनका काम था, वो आज भी बैंड बाजा बजाते हैं। हम लोगों के यहाँ गंगा जी की पूजा होती है, काली की पूजा होती है, उसमें बैंड बजाने के लिए वही आते हैं, शादियों में वही आते हैं। तो वो मुसलमान तो हो गए, लेकिन उनके अपने भी काम पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने जो हमारी अपनी आंतरिक सामाजिक व्यवस्था और मान्यताएं थी उसको भी कभी चैलेंज नहीं किया, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ये खास बात, ड्यू टू इस्लामिक इन्वेजन आवर कन्विक्शन टुवर्ड्स आवर इंटरनल कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल एंड रिलीजियस इथोस और आवर कन्विक्शन टुवर्ड्स आवर अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ द समम बोनम ऑफ लाइफ रिमेंड ऑलवेज अनशेकन। और समाज अंदर अंदर अपने तरीके से अपनी उन्हीं मान्यताओं के आधार पर चलता रहा। हम अनशेकन रहे या उसने शेक करने में नहीं सफलता मिली? उन्होंने शेक करने की बहुत कोशिश भी नहीं, उनका उद्देश्य भी नहीं था। नहीं, वो पूछ रहे थे ना, आप पुनर्जन्म में मानते हो, ये कैसा थियरी है? नहीं, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। वो या तो आपको कन्वर्ट करना चाहते थे, आप कन्वर्ट हो जाइए, और वो आपको रूल करना चाहते थे। अगर आप कन्वर्ट नहीं हो पाए, या जिन इस्लामिक शास्त्रों ने आपको कन्वर्ट नहीं किया, उनको आपके आंतरिक विश्वासों से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं था। वो आपके अपने आंतरिक विश्वास, आपकी आपके आंतरिक मान्यताएं चलती रहे, उसमें कोई संकट नहीं आता। और यही कारण रहा कि आप जब अंग्रेज आए हैं तो 1750 तक, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, 1750 तक आप देखिए कि जो समाज की आंतरिक संरचना है वो लगभग उसी प्रकार की है। धर्मपाल जी ने लिखा है कि लगभग लाखों की संख्या में स्कूल बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, प्रेसिडेंसी वगैरह में गांव के सहयोग से चल रहे थे, उसमें शास्त्र पढ़ाए जा रहे थे, और जो हमारी शास्त्र के अध्ययन और निर्वचन की परंपरा है वो लगातार कंटिन्यू रही। तो इतने हजार साल के मुस्लिम शासन के बावजूद भी जो हमारी अपनी पठन पाठन की, हमारी जो अपनी पारिवारिक धार्मिक परंपराएं हैं वो बनी रही, हम भी उससे कोई प्रभावित नहीं हुए उनकी मान्यताओं से, और उसकी वजह से हमारे अंदर अपनी मान्यताओं और परंपराओं को लेकर के कोई आत्मविश्वासहीनता या कोई लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं देता, कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाई नहीं देता। लेकिन इतने मंदिर तोड़े, इतने मठ तोड़े, जो कुछ भी किया उन्होंने, कोई प्रभाव हमारे आंतरिक जीवन पर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने हमारे आंतरिक जीवन के प्रश्न को स्पर्श नहीं किया। उसका बड़ा कारण था वो, इवन आस्किंग अबाउट आइडियल वर्शिप, नो, वो ठीक है, आइडियल वर्शिप को नहीं मानते थे, उन्होंने उसको तोड़ा, तमाम मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके ऐसा करने से, उनका यह काम हमको आतताई लगा, कि वो आतताई है, बर्बर है, इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। इवन दो वो उन्होंने कन्वर्ट भी किया, उन्होंने मंदिर भी तोड़े, लाइब्रेरियां भी जलाई, उन्होंने मूर्तियां भी तोड़ी, सब कुछ किया, ये उनकी कार्रवाई बर्बर कार्रवाई बनी, कि बर्बर जातियां हैं, आक्रामक हैं, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा बहुत करने की कोशिश भी नहीं, उन्होंने ऊपर ऊपर ये सब चीजें की, मंदिर तोड़ दिया आपके, आपकी मूर्तियां तोड़ दी, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया आपको, लाइब्रेरी को आग लगा दी। इस बात की बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि जो कोई भी रिलीजन होगा उसकी दृष्टि रिलीजियस ही होगी, वो चाहे अपने रिलीजन को माने या दूसरे रिलीजन को, इसलिए वो अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमको अपनी मान्यताओं को लेकर के हम उसका पालन कर पा रहे हो चाहे ना कर पा रहे हो, उसका कष्ट हमको हो सकता है कि हम नहीं कर पा रहे, लेकिन अपनी मान्यताओं को लेकर के कोई संदेह, कोई ड्यूबियस
नेचर, कोई एम्बिग्विटी, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कोई लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हमारे अंदर नहीं थे। ये जब अंग्रेज आए हैं ये बिल्कुल नई प्रकार के विश्व दृष्टि लेकर, ब्रिटिश केम विद एन अनप्रेसिडेंटेड टाइप ऑफ नॉवेल वर्ल्ड व्यू, दैट इज द सेकुलर वर्ल्ड व्यू। इस्लाम का जो वर्ल्ड व्यू था वो सेकुलर वर्ल्ड व्यू नहीं था। इवन मिडिवल क्रिश्चियनिटी का जो वर्ल्ड व्यू था वो भी सेकुलर वर्ल्ड व्यू नहीं था। मॉडर्न यूरोप एक्चुअली रिबेल्ड अगेंस्ट इट्स ओन मिडिवल क्रिश्चियन ट्रेडिशन। द एडवेंट ऑफ मॉडर्निटी, थ्रू विच मॉडर्निटी केम, देर आर टू फैक्टर्स विच आर नोन एज रेनेसा एंड एनलाइटनमेंट। Both were the projects of the secularization of the society and polity. They came with this idea of secularization of institutions, a secular worldview. और इस secular worldview के आने के बाद से जब वो हिंदुस्तान आते हैं, they question the worldview of Indian people. वो उन्होंने हमारी विश्व दृष्टि को चैलेंज किया। आप जो ये देखते हैं समझते हैं ये ठीक नहीं, नॉनसेंसिकल है। उन्होंने हमारे वर्ल्ड व्यू को चैलेंज किया। एंड इट वॉज ऑल्सो अनप्रेसिडेंटेड फॉर अस इंडियन पीपल दैट वी फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व अ सिविलाइजेशन और ए रूल विच इज सेकुलर इन कैरेक्टर। आप यूरोप में देखिए 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स या आप 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स कह सकते हैं, सेंट थॉमस वो आखिरी विचारक था जिसने स्पिरिचुअल अथॉरिटी और टेम्पोरल पावर यानी चर्च और स्टेट के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की कोशिश की। आफ्टर द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी फ्रॉम 3rd सेंचुरी AD टू 13th सेंचुरी AD, from the age of Saint Augustine to Saint Aquinas, the Europe was a Europe based on their Christian theology or Christian mythology. From time to time there were some conflicts, minor conflicts between the authority of church and the state, pope and king, but they were resolved. Up to the time of Saint Thomas, that is 12th and 13th century, a great schism came, a great divide came in the history of Christianity. This was the time when universities were taking place in Europe, and these universities, including the University of France where St. Thomas Aquinas was a teacher, received the knowledge from the Greek civilization through the Arabs. The Christianized Europe received Greek knowledge system or Greek philosophy through the Arabs. And the first reaction of the church was this, that they banned this education or this theory or philosophy in churches. It is called that it is the intellectual fertility of St. Thomas Aquinas and his teacher Albert that they recognized the significance of Greek philosophy. Greek philosophy means sciences, the application of reason. And St. Thomas made all these sciences the basis or the substratum of his knowledge system. He told that the Greek philosophy is not distinguished to this Christian way of life, but it is at the lower level of the Christian knowledge system. We can coordinate Greek knowledge system
एज द बेसिस और एज द लोवेस्ट सबस्ट्रेटम ऑफ द क्रिश्चियन नॉलेज सिस्टम. Each sciences have to be guided by the philosophy, and the philosophy should be guided by the theology. This is called age temple of knowledge, and it is called, it is St. Thomas who Christianized Aristotle, or he Christianized Greek principles in the Christian way of looking the things. This system is called in history of philosophy scholastic system, Panditivad. All vidyas, physics and chemistry and biology and so on, then sciences, and then philosophy, and then theology. The supreme most place is occupied by the theology. Scholasticism. S-C-H-O-L-A-S-T-I-C-I-S-M. Scholasticism. Panditivad. और इसीलिए आज भी आप देखिए, आप किसी भी विषय में रिसर्च करते हैं तो आपको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की ही उपाधि मिलती है. बॉटनी में, फिजिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, हिंदी में, कन्नड़ में, किसी भी सब्जेक्ट में आप करते हैं तो वो जो आपको उपाधि मिलती है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है. Sciences are at the substratum. Substratum. That was a base. Yes. And it is philosophy which gives meaning to them. And above the philosophy, it is theology which gives meaning or fulfillment to the philosophy. So, theology, philosophy, and sciences. This system is called the temple of knowledge created by St. Thomas. And St. Thomas was of the view that on the basis of the same, there should be our system of law or system of creation. The uppermost stratum is of eternity, the eternal law. Then it is followed by natural law. Then it is followed by divine law, and then it is followed by human law. The state is run by the human law. Human law must have to take guidance from divine law that is based upon the revelation and theology. Theology has to solve the problems of natural law. And natural law is the manifestation of the eternal law. Eternal law equates with the divine mind, which is responsible for this celestial management. To understand this divine mind is beyond human comprehension. But only because of its being beyond human comprehension, it is not against the reason. So a sense of mystery has always been recognized in each and every religion. Even in our religion, the non-manifest or Nirguna Brahma manifests itself, it manifests itself in the form of Saguna. How this Nirguna becomes Saguna is a mystery. That is called Leela. The specific word for this in our tradition is Leela. इसके तरीके आप इसे और कुछ नहीं कह सकते. So, in this pattern of knowledge system, the state, which is the matter of human law, has to take guidance from the church or the religious authority, which has the capacity or which has the authority to interpret the theology. It means church and state, pope and king
must have a relationship of symbiotic nature. There must be a coordination between these two, like our Raja and Purohit. But after St. Thomas, due to some historical reasons, due to some perversions which took place in the system of church, due to some arrogance which came in the system of state, this coordination was disturbed. And disturbed up to the extent that the later thinkers like Marsilio from Italy and Machiavelli, both from Italy, they tried to divide the realm of state from the realm of church. This is the beginning of the secularism. Secularism means not sarva dharma sambhav, ye to hum log sab apne liye vyavastha maan lete hain. ये आप इसको समझिए 13 सेंचुरी के बाद मैकियावेली मार्सिलियो एंड मैकियावेली. हम आपको केवल ये बताना चाहते हैं कि जिसे हम लोग सेकुलर कहते हैं सेकुलर की ओरिजिनल मीनिंग क्या है. सेकुलर कम्स ओरिजिनल वर्ड सेकुलर मींस सांसारिक दिस वर्ल्डली. नो नीड फॉर एनी कंसिडरेशन फॉर दैट वर्ल्डली. No need for any spiritual authority. If there is a permission to have the spiritual authority, their domain is different. They have nothing to do with the state or king. They both are separate. From here, the idea of secularism entered in European thought. And then, century by century, the system took place which is called now modernity, where there is no need of God, there is no need of having any idea of mystery, there is no need of taking any guidance from any theological, scriptural, transcendental, metaphysical domain. Each and every man has been given reason, and because of having reason he is capable to take decision about anything. Excessive and sole faith upon human reason. This is the beginning of modernity. This is the most important and significant indicator of the beginning of the modernity. Over faith upon human reason. We may see Locke and Newton and then Galileo and then Descartes. And then Darwin and then Marx, there is a chain of modern scholars who believe that there is no need of taking any guidance from any authority beyond, which is beyond human world, which is beyond natural world. Newton was a mathematician or physicist. He told that this world has been created by God, but now we are capable to understand the mechanism of this world. The modus operandi of this world may be understood by human reason. There is no divine intervention in the modus operandi of this world. So, this is first time that in European history also this type of secular worldview took place. Then, because of this secular worldview, they created a place for modern science. They created a place for the acceptance of capitalism. They created a space for industrialization. They created a space for mechanization. They created a space for human institutions of the state, like parliament and legal system, etc. They came with all these ideas to India. जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म या ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म भारत आया वो इन सभी विचारों के साथ है. एंड देयर फॉर महर्षि अरविंद सेज एज आई साइटेड इन द फोर्थ सेशन
that Indian Renaissance, what is called Indian Renaissance, is nothing but the Asian edition of European Renaissance. What happened in Europe, the separation of religion and politics, or you may say religion and all worldly affairs, the schism of the division of profane and sacred. This was peculiar and unprecedented in the history of civilizations. It came through European Renaissance and it shaped prominently to the Indian Renaissance. So Maharishi Aravind says that Indian Renaissance is the Asian edition of European Renaissance. Up to some extent, this observation of Maharishi Aravind is correct. But our position was so peculiar. हमारी स्थिति इतनी अलग प्रकार की थी कि जब भारत का टकराव या भारत का संपर्क यूरोपियन रेनेसा से होता है, यूरोपीय पुनर्जागरण से होता है, तो हम आंख बंद करके उसके सारी मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर रहे। द रेनेसा और मॉडर्निटी वाज एक्सेप्टेड बाय यूरोप थ्रू इट्स ओन विल. It was a natural process for them. They rebelled against their own civilization, own medieval Christian tradition. But this was superimposed upon us, the Indian people, who were till then temperamentally not secular. हम अभी भी secular नहीं। उन्होंने तो अपनी सभ्यता के खिलाफ विद्रोह करके उस secularism को receive किया और उसकी मान्यताओं को स्वीकार किया और उसके हिसाब से अपना स्टेट मैकेनिज्म या अपनी जो वर्ल्डली लाइफ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उन्होंने क्रिएट किया या कंस्ट्रक्ट किया. लेकिन हमारे ऊपर वो सेकुलरिज्म ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के माध्यम से सुपर इम्पोज किया गया और उसने हमारी सारी मान्यताओं को एक प्रकार से शेक कर दिया, हिला कर रख दिया. Okay, we were the civilization and we are the civilization who believe in the central principle that we are an inquiry-based civilization and our inquiry is the inquiry of self-realization. Who am I? Is the